उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बयान पर बवाल जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बीते दिनों उत्तराखंडियों को लेकर दिए बयान पर अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी मनीष खंडूड़ी के बयान को लेकर जहां कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। तो आप उत्तराखंड थूकता हूँ, उत्तराखंड थूकता हूँ। बता दें कि कांग्रेस की ओर से गढ़वाल लोकसभा में निकाली गई न्याय स्वाभिमान यात्रा के दौरान मनीष खंडूड़ी ने यह बयान दिया था कि जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के हमलावर रुख के बीच मनीष खंडूड़ी के बयान पर कायम रहने की बात करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंडियत, पहाड़ी और गढ़वाली शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जो अंकिता के हत्यारों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट तुड़वाया। उन्होंने कहा कि उसके बयान को पूरे संदर्भ में देखने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण ने मनीष खंडूड़ी का समर्थन करते हुए कहा कि वो खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बीजेपी नेता उसके बयान को तोड़ मरोड़ काट कर पेश कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कोर्ट का जिक्र किया कि कोर्ट में पुलकित और उसके साथी जिस तरीके से अंकिता के पिता को तंग कर रहे थे, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया वाली बात कर रहे थे। उस बात से आक्रोशित होकर उन्होंने बात की कि भाइयों, मैं देख के आया हूँ, मेरे सामने अंकिता के पिता का अपमान अपराधी कर रहे हैं। और वो अपराधियों की हिम्मत इसलिए हो गई कि उनको पता है कि सरकार के लोगों ने पूरे सबूत मिटा दिया और वो बरी हो जाएंगे। उनको भरोसा है इस बात का अपराधियों को कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अंकिता के सीधे साधे पिता को वो कोर्ट परिसर में जो है बदतमीजी कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस बात को लेकर वो आक्रोशित थे और उन्होंने कहा, वो अपने भाइयों से बात कर रहे थे, वहाँ कोई अन्य लोग थोड़ा थे, उन्हीं की लोग बैठे हुए थे, उन्हीं से वो कह रहे थे कि मुझको और तुमको धिक्कार है, कह रहे क्या गलत कह रहे, मेरी घर में मेरी बहन को कोई उठा ले जाए और मेरा बड़ा भाई मुझसे कहे कि तेरे घर में रहते हुए तेरी बहन के संग ऐसा गया, तू क्या कर रहा था करके, क्या गलत कह रहे हैं। खंडूड़ी जी ने कोई अपमान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कोर्ट में हुई घटना पर आक्रोश जताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड और गढ़वाल के अपमान का परिणाम अवश्य भुगतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बेतुकी बयानबाजी से बीजेपी में आक्रोश है। देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है, अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी का को भाजन होंगे, इतना मुझे लगता है। खैर, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे नेताओं के बयानों पर निशाना साधने से नहीं चूकती है। अब मामला अंकिता मर्डर केस को लेकर सरकार को घेरने का था, लेकिन सरकार को घेरने से पहले ही ये पेंच कांग्रेस पर उल्टा भारी पड़ गया। हालांकि कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के बयान को बीजेपी नेताओं ने आधा ही चुलाया, जिसके बाद से कांग्रेस नेताओं पर तमाम तरीके के सवाल खड़े उठने लगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।